करीना कपूर खान प्रेग्नेंट हैं, एक एंटरटेनमेंट पोर्टल ने ऐसा दावा किया है। पोर्टल की खबर के मुताबिक करीना को 3.5 महीने की प्रेगनेंसी है। वो और उनके पति सैफ अली खान खबर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि सैफ और करीना हाल ही में लंदन से वेकेशन मनाकर लौटे हैं और बताया जा रहा है कि ये स्पेशली करीना के रेस्ट के लिए प्लान किया गया था। हालांकि अभी तक सैफ और करीना की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। इस बारे में जब करीना के पिता रणधीर कपूर से बात की गई तो उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आशा करता हूँ कि ये सच हो। दीपक तिजोरी द्वारा निर्देशित फिल्म दो लफ्जों की कहानी में रणदीप हुड्डा और काजल अग्रवाल मुख्य भूमिकाओं में हैं। खबर आई है कि काजल केस के सीन को लेकर डरी हुई थी और कहा जा रहा है कि उन्हें इसके बारे में पहले बताया भी नहीं गया था। काजल ने कहा, मैं डरी हुई थी, लेकिन रणदीप ने इसे मेरे लिए बहुत आसान और सहज बनाया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मैं सहज रहूं। हमने बहुत सारी बातें की और मेरा संकोच खत्म हुआ। उन्होंने कहा, मैंने दक्षिण की फिल्मों में ऐसा नहीं किया था, इसीलिए मुझे झिझक थी, लेकिन फिर मैंने इसका इम्पोर्टेंस समझा और ये स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था। स्पेशल 26 की अदाकारा ने कहा कि दो लफ्जों की कहानी एक संवेदनशील और खूबसूरत प्रेम कहानी है। फिल्म में काजल एक नेत्रहीन लड़की है और रणदीप एमएमए फाइटर की भूमिका में है। क्वीन के नाम से मशहूर एकता कपूर 41 साल की हो गई है। 7 जून 1975 को जन्मी एकता ने फिल्मों और टीवी सीरियल्स के जरिए दर्शकों तक ढेर सारा ड्रामा परोसा है। यही वजह है कि उन्हें ड्रामा क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। एकता बालाजी टेलीफिल्म्स की क्रिएटिव हेड और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। एकता जितनी मशहूर फिल्मों और टीवी सीरियल्स के लिए है, उतनी ही लाइमलाइट वो वर्स्ट ड्रेसेस पहनकर बटोरती है। अवार्ड्स फंक्शन से लेकर लॉन्चिंग पार्टी तक इवेंट्स में एकता कई बार ऐसी ड्रेसेस पहनकर पहुंच जाती है जिन्हें देखकर सब हैरान रह जाते हैं। रंगदास सिंह ने हाल ही में FHM मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया है। मैगजीन का ये इशू जून महीने के लिए है। इस मैगजीन के लिए चित्रांगदा ने अलग अलग एंगल से फोटोशूट करवाया है। वो इस मैगजीन की कवर गर्ल बनी है। आइए आपको दिखाते हैं चित्रांगदा की कुछ सेक्सी फोटोज। You have a film that is based on drugs abuse in Punjab, a fact that every school going kid knows. Just like there's a corrupt officer in your nearest government office, or there are rave parties at Goa, or that Jon Snow is back. And then the ruling party there, Akali Dal, negates everything by saying that the film is trying to show Punjab in poor light and there is no drug problems in the state. So Urta Punjab is finding it difficult to get a release after the CBFC's revising committee's proposal to include 89 cuts in the film. 89 cuts? Is that a world record that our censor board wants to achieve? On top of that, the committee wants the makers to remove the word Punjab from the title and any reference of the state and its politics from the film. So in short, they want to release a film set in fantasy land where every guy speaks Punjabi and do drugs, but it's not set in Punjab, mind you. Well, thanks for watching this video. Now hit the like button and subscribe our channel to watch more. See you in the next video. Till then, enjoy.